हे हेलो एवं रिक द परफॉर्मर आई होप डेफिनेटली ऑल आर डूइंग गुड पिछले दो साल से एक क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहा है और सही मायने में देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद को भी कर सकते हो सो so, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट जब मैं उसके गहराई में झांकता चला जा रहा उसको और जानने की कोशिश करता चला जा रहा हूँ जो चीज़ें जो है ना और भी बढ़ता चला जा रहा सो so, डिरट मुद्दे पे आते क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ़ योर्स टुवर्ड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स योर यूनिवर्स क्या कंट्रीब्यूशन आपका क्या योगदान है आपके सोसाइटी के लिए आपके यूनिवर्स के लिए सब लोग अपने अपने काम करते हैं दैट इज़ गुड मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं पैसा क्यों चाहिए ज़िंदगी बिताने के लिए और ज़िंदगी बिताने के लिए खुद के और अपने परिवार का बट क्या यह सही मायने में कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी है मुझे नहीं लगता और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस दुनिया में और इस यूनिवर्स में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ़ अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए आ रहे हैं या फिर दूसरे के ज़िंदगी गुजारने के लिए आ रहे हैं ये मुझे नहीं लगता मुझे ये लगता है कि हर जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद के लिए ही हम लोग आते हैं जैसे हर चीज़ों का एक वो होता है जैसे आप देखेंगे कि हर ऑपरेशन का एक मकसद रहता है करेक्ट जो लोग रॉ में हैं जो डिजेक्टिव है सी, सी आई डी उनके एक एम है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को उनको पकड़ना है ये ये करना है वो करना है इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करना है तो एक पर्टिकुलर मकसद के लिए वो प्रोजेक्ट असाइन होता है और वो एग्जीक्यूट होता है वैसे ही इस दुनिया में जो हम लोग आते हैं उसका कुछ ना कुछ एक मकसद है जो मुझे लगता है वो उसको हासिल करने के लिए हम लोग आते हैं और मैक्सिमम केसेस में वो बिना हासिल के ही हम लोग चले जाते हैं तो मेरा बोलना मतलब ये है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी तो मैं उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा है कि कुछ क्यों ऐसा क्यों ना करा जाए जिससे मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस सोसाइटी के लिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ अब देखिए मेरे पास पैसा तो बहुत सारे है नहीं कि मैं उस पैसों को दे के बाकी लोग जो जिनको जिनको चाहिए या फिर जो नेडी है उनको मैं हेल्प कर सकूं तो वैसा तो मैं नहीं कर सकता कंट्रीब्यूशन और किस किस उपाय से मैं कर सकता हूँ अपने नॉलेज से मैं कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से मैं कर सकता हूँ और कुछ ऐसा मैं करूँ जिससे और दस लोग इंस्पायर हो सके तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे बाकी दस और पंद्रह लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके अब मोटिवेशनल स्पीक मतलब स्पीचेस तो बहुत सारे आप देखती होंगी यूट्यूब वगैरह में तो अब डेफिनेटली क्या होता है कि जो आप सुनते हो डेफ़िनेटली कभी लोग बोलते हैं कि ये तो मैंने सुना है ये मुझे पता है अब क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको पता रहता है बट वो असल ज़िंदगी में लागू नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे कि आप अपने ही चेयर पे बैठ के चेयर को उठा नहीं सकते तो उसी उसी दृष्टिकोण से काफ़ी चीज़ टाइम पे ऐसा होता हो जाता है कि बहुत सारे बातें जो है आपके जहन में रहते हैं और जब वो बातें जो सामने वाले कोई आपको बताते हैं तब जाके उसका सही मायनों में सार्थकता होता निकल के आता है आपके अंदर से सो so, मैं बोला कि चलो कुछ ऐसा करते। तो आज मैं शुरू करता हूँ कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करूंगा जो आपको मतलब थोड़ा अंदर से झंझोर के रख दे जो बहुत सिंपल सा जो तो चीज़ है लेकिन आपने शायद ही वो थोड़ा गौर किया हो तो आज का टॉपिक ये है तो मैं बताता हूँ तीन तीन हिस्सों में बांटा है तो पहला ये है कि अगर अभी जो रिसेंट टाइम आपका चल रहा है या तो फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू आर ऑन द वे वेरी गुड अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे टाइम है लेकिन पैसा नहीं है तो भी मैं मान सकता हूँ चलो यू आर ऑन मेकिंग क्योंकि आपके पास टाइम तो है लेकिन इसीलिए आपके पास टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज करके आप पैसा इन फ्यूचर में बना सकते हो तो इट्स ओके okay कि आपके पास टाइम है बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे तो इसीलिए आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कैसा रहेगा कि आपके पास मान लीजिए टाइम भी है टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है लेकिन आप व्यस्त हो समझ में आ रहा है मतलब आप काम करो सब कुछ करो लेकिन आपके काम करोगे इसीलिए तो टाइम नहीं है आपके पास लेकिन पैसा भी नहीं है आपके पास अजीब है ना तो ये अभी कभी सोचे हो अगर ऐसा सिचुएशन आपका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जितना अभी मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द है मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है ना ही टाइम है ना ही पैसा है सो कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए गड़बड़ है देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है इसका मतलब आप उस टाइम पे अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो ठीक है तो उस टाइम पे आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हो उस हिसाब से जितना एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास पैसा रह, बहुत रहना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास पैसा रहना चाहिए लेकिन खुदा ना खास्ता मैक्सिमम केसेस में जो दिखा जाता है कि आप टाइम भी व्यतीत करते हो एफर्ट्स भी डालते हो लेकिन पैसा भी नहीं है आपके पास तो गलत है इसका मतलब आप रॉन्ग प्रोफेशन या रॉन्ग रस्ते पर हो तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है आप खुद को पूछो ये मोटिवेशनल स्पीच जो है ना थोड़ा अलग तरीके का है इसमें मैं 10-15 मिनट तक ज्ञान नहीं देने वाला हूँ मैं आपको सिर्फ टोकूँगा और क्वेश्चंस का क्या बोलते है? उद्बोधन जिसको बोलते हैं। मतलब आ, मैं क्वेश्चन का एक वो बांध दूंगा आपके अंदर आ, और आपको उस क्वेश्चन को पूछना है और आपको खुद से ढूंढना है कि ऐसा फिर क्या कैसे हम लोग इस चीज़ से उभर सकते कि टाइम जब तक हम लोग देंगे तब तक उस हिसाब से उस रेशियो के हिसाब से आपको भी पैसा मिले तो आप सोचिए इस चीज़ को और कोई भी डाउट है मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मतलब अगर पर्सनली आप मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कांटेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू बट क्वेश्चन ज़रूर कीजिए के पैसा भी नहीं है टाइम भी नहीं है तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो सके सो आई एल बी बैक सुन विद सम न्यू मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं बोल सकते खैर लेकिन सम कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स माई सोसाइटी एटलीस्ट आप लोग ये नहीं कहेंगे या फिर मैं खुद को नहीं कर, ऐसा कहूँगा कि नहीं मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है सो दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ माई साइड सो मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन्स लेता लेके आता रहूँगा जिससे मैं सोसाइटी के तरफ मेरे हिसाब से मेरे हिस्से का कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज माई एक्सपीरियंस एंड माई जर्नी सो विल वी बैक सुन टिल देन टेक एयर वीम थैंक यू